Let's start with questions from area of triangles for mensuration class 7. Now let's take the first question. First question kya hai? The base of a triangular field is 3 times its height. Matlab, agar height hai h, if the height of the triangular field is h, then definitely the base of the triangular field is 3 into h, right? 3 into h ko main 3h bhi likh sakti hu, right? So therefore b is equal to 3 times its height, which is h, we have taken. If the cost of cultivating the field at rupees 1080 per hectare is rupees 14,580, find its base and height. तो हमें जो रेट दिया गया है वो रेट दिया गया है हेक्टेयर के टर्म्स में. रेट दिया गया है 1080 पर हेक्टेयर. अब हेक्टेयर का क्या वैल्यू है? बिकॉज हम जो बेस और हाइट निकालेंगे उसको कैसे निकालेंगे? वी डोंट नो द एरिया. पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा. तो एरिया के लिए क्या करना है हमें? ये जो टोटल कॉस्ट है ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ कॉस्ट कल्टीवेटिंग द फील्ड डिवाइड करेंगे विल गेट द एरिया, राइट? बिकॉज रेट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड इंटू एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दैट इज 14,580. सो हमें कैसे मिलेगा? लेट मी राइट इट डाउन. रेट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड, पूरा सेंटेंस नहीं लिखती, यू अंडरस्टैंड इट्स द फील्ड इनटू एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, राइट? सो ये क्या होगा? रेट ऑफ कल्टीवेटिंग कितना होगा? रुपीज 1080 दे रखा है इनटू एरिया, राइट, इज इक्वल टू रुपीज 14,580, राइट? देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच? एरिया विल बी इक्वल टू 14,580 डिवाइडेड बाय 1080. अब डिवाइड करके देखते हैं. जीरो एंड जीरो कैंसिल हो गया. नाउ ये नंबर जो है आई डोंट वांट टू कैंसिल विद फोर एंड ऑल. आई विल डायरेक्टली डिवाइड इट लाइक दिस. आप चाहो तो छोटे छोटे जो भी आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं जैसे कि टू एंड ऑल, आप डिवाइड करके आगे बढ़ सकते हो. आई एम यूजिंग दिस मेथड. 108 माइनस 108 इनटू 108, क्योंकि 145 जो है उससे छोटा, उससे बड़ा हमें नहीं लेना है, छोटा ही लेना है. सो 15 माइनस 8 कितना हुआ? 7 हुआ. 4 माइनस 4 तो बचा नहीं यहाँ पर, 15 बोरो हो गया 1, तो ये 3 बचा है यहाँ पर. 3 7 8. सो 108 को फिर से डिवाइड करना होगा. देन आई टेक 3. 108 इंटू 3 कितना होगा? 3 8 24, 3 1 3. सो ये हो गया 324. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं. 8 माइनस 4 4, यहाँ पर 7 माइनस 2 5. अब यहाँ पर कोई नंबर तो बचा नहीं, सो आई टेक द डेसिमल जीरो ओवर हियर. ये नीचे इस तरफ लाऊंगी, सो इट विल बिकम 540. सो 108 डेसिमल नंबर हमें देना पड़ेगा इधर, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस डेसिमल जीरो हियर. सो 108 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा? लेट्स सी. 5 8 40, तो यहाँ पर मैं 40 लिख दूंगी. 5 1 5 हो गया पूरी तरह से जो है कैंसिल. तो आ गया क्या हमारा? 13.5. बट इट इज इन वॉट टर्म्स? हमारा रेट दिया गया था हेक्टेयर के टर्म्स पे, तो एरिया भी हमें हेक्टेयर के टर्म पे ही मिला है. सो कैन वी फाइंड बेस एंड हाइट? यस वी कैन नाउ फाइंड द बेस एंड हाइट, एंड ऑल्सो नो. क्यों नो? बिकॉज हमें हेक्टेयर के फॉर्म पे चाहिए मिलेगा, तो बेस और हाइट हमें किस स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालेंगे? सो वी हैव टू चेंज दिस हेक्टेयर अदर इनटू मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्टैंडर्ड है, नॉर्मल स्टैंडर्ड है मीटर स्क्वायर. हर बुक में यही दिखा, मतलब यही रिलेशनशिप दिखाते हैं. 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, ये याद रख लेना, 10,000 मीटर स्क्वायर. हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये जो है आपको मिला होगा. 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. तो इसको 13.5 हेक्टेयर को वी विल मल्टीप्लाई विथ 10,000. सो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये जीरो, एक एक जीरो यहाँ चला जाएगा इन द जंप ऑफ दिस डेसिमल पॉइंट. सो ये हो जाएगा 135, और उसके बाद ये 3 जीरोस भी कंज्यूम हो जाएंगे. सो हो जाएगा कितना? 135,000 मीटर स्क्वायर. एरिया आ गया अब मीटर स्क्वायर में. नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला फॉर
द एरिया क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज इक्वल टू 3 हाइट, तो यहाँ पर हम यही यूज़ कर लेंगे, आई राइट इट हियर, नेक्स्ट हाफ इंटू 3h इंटू h इज इक्वल टू 1350 जीरो अनदर जीरो, या देन क्या होगा ये h इंटू h क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर और उसके साथ 3/2 है, 3/2 को उस दूसरे साइड ला लूँगी, राइट हैंड साइड में लूँगी तो क्या होगा, मल्टी डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मतलब रेसिप्रोकल जो है मल्टीप्लाई होगा, सो डिवाइडेड बाय 3/2 विल बिकम इन द राइट हैंड साइड इंटू 2/3, ओके ओके नाउ विल कैंसिल आउट, सो 3 1 7 ये 3 और यहाँ पर 135, ये तो क्लियरली है एक मल्टीपल है, 135 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 1 7 3, 3 4 12, 13 - 12 कितना होगा 1, तो 15 हो गया, सो नेक्स्ट स्टेप पे 3 5 15 करना है और उसके बाद 000 एज इट इज लिख देना है, तो हाइट कितना हो गया, हाइट स्क्वायर नॉट इवन हाइट, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना हुआ 45 × 2 करेंगे तो कितना होगा 90,000, तो ये कितना है 90,000 एक्चुअली कितना है 9 × 10,000 है, विच इज एक्चुअली वॉट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3 और 10,000 मतलब 9 क्या हुए 3 × 3 और ये 10,000 कितना है एक्चुअली 100 × 100 है, तो इजीली हम अब एच निकाल सकते हैं, देयर फोर एच विल बी इक्वल टू हाउ मच, एच विल बी इक्वल टू सिर्फ एक ही पैर लेना है 3 × 100, सो एच इज इक्वल टू 300 मीटर, अब हेक्टेयर होता तो मुश्किल होता ना, हमें मीटर में मिल गया बिकॉज हमने एरिया को कन्वर्ट कर दिया है मीटर स्क्वायर में, सिमिलरली बेस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स हाइट, सो 3 × 300 होगा कितना 900 मीटर, सो इस तरह से का बहुत इजीली हम निकाल लेंगे बोथ हाइट एंड बेस, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है पर सॉल्व करना आना चाहिए। नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 × √3² सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सब में हमने डिस्कस कर रखा है, इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच द कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ बेस्ड ऑन रेक्टेंगल स्क्वायर पैरेललोग्राम एंड अदर शेप्स देन यू कैन सी द इन द डिस्क्रिप्शन आई हैव अटैच द एंटायर प्ले लिस्ट, सिक्वेंशियली हमने ईच वीडियो में हमने डिस्कस किया है ऑल ऑफ द शेप्स, यू कैन गो थ्रू दैट एंड देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड वॉट आर द फॉर्मूला फॉर ईच डिफरेंट काइंड ऑफ शेप, सो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज हाउ मच, हमने पहले भी देखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल साइज जो हैं दे आर ऑफ द सेम लेंथ, तो लेट द लेंथ बी ए, तो इन टर्म्स ऑफ द साइड ए इट विल बी √3/4a², ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो भी मैंने डिस्कस किया है इन दैट वीडियो, यू कैन चेक द एंटायर प्ले लिस्ट एंड फाइंड आउट द वीडियो दैट यू वुड लाइक टू हैव अ लुक एट, ओके सो ये डिस्क्रिप्शन में रहेगा द लिंक ऑफ दैट एंटायर प्ले लिस्ट, सो √3/4a² इज इक्वल टू द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आई इक्वेट दिस विथ द एरिया दैट इज गिवन दैट इज 16 × √3, अब देखो √3 और √3 दोनों डिनोमिनेटर में है, ये भी मल्टीप्लाइड है, आई हैव नॉट रिटन दिस मल्टीप्लीकेशन सिंबल बट इट इज स्टिल देयर राइट, सो ये √3 और √3 दोनों हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या बच्चा a² / 4 इज इक्वल टू 16, सो a² विल बी इक्वल टू 16 × 4 राइट विच इज 64, सो a² इज इक्वल टू 64 दैट मीन्स a इज इक्वल टू हाउ मच, ए विल बी देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू 8 × 8 इज 64, सो इज वैल्यू इज 8, सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट मैंने जानबूझ के इसे इंक्लूड किया सो दैट यू नो हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट विदाउट गेटिंग टेंस्ड आउट और एंड ऑल्सो यू अंडरस्टैंड दैट √3 फ्रॉम आइदर साइड कैन बी कैंसल आउट लाइक एनी नॉर्मल कॉमन फैक्टर, सो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन बट स्टिल जस्ट गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट ईजिली इन योर एग्जाम्स। Now let's do this question. This is also from equilateral triangle. Find the height of an equilateral triangle of side 24 centimeter. अब side दे दिया गया है. That is value of A is given to us. So A's value is how much here? 24. I'll write here 24 centimeter. 24 centimeter. So तीनों ही side same है because it's an equilateral triangle.
सो वॉट विल बी द एरिया, वो निकाल देते हैं. एंड ऑल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/4 ए स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं वी कांट यूज द कॉमन फॉर्मूला दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट. हाँ, वो हर काइंड ऑफ ट्रायंगल में यूज हो सकता है. सो एरिया विल बी वॉट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सेम ही जो है हम यूज कर रहे हैं, सेम ही ट्रायंगल का निकाल रहे हैं. सो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट, एंड आई कैन इक्वेट दैट विथ √3/4 a². इसमें कोई गलती नहीं होगी. अब यहाँ पे मुझे ये गिवन है, ए इज गिवन, ए इज 24 सेंटीमीटर, वही वैल्यू बेस का भी है. सी इफ लेट मी टेक दिस एज द बेस, देन हाइट क्या होगा, ये वाला होगा. हाइट इज सेम इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल द थ्री हाइट्स और ऑल्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं, दे आर ऑफ द सेम लेंथ, राइट? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो बेस है दैट इज ऑल्सो ऑफ द सेम लेंथ, तो कैसे अल्टीट्यूड कैसे डिफर करेगा. सो यहाँ पर बेस की जगह पे मैं 24 डाल सकती हूँ. अब डाल देते हैं, हाफ इंटू 24 इंटू हाइट इज इक्वल टू √3/4 इंटू 24 इंटू 24. अब देखो 24 24 दोनों ही कैंसिल आउट हो सकते हैं, बिकॉज दो बोथ ऑफ देम आर इन द न्यूमरेटर, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. सेम नंबर इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वी कैन कैंसिल आउट, नो नीड ऑफ टेकिंग इट टू द अदर साइड, वो नीचे ही जाएगा. 24 डिवाइड होगा 24, देन विल गेट कैंसिल आउट, वो उसकी ज़रूरत नहीं है. सो हाइट विल बी, देयरफॉर हाइट विल बी इक्वल टू हाउ मच, √3/4, ये जो हाफ है इफ इट गोज टू द अदर साइड विल गेट मल्टीप्लाइड इंटू 24. सो ये 4 6 24 हो गया. सो 6 × 12 क्या हो गया, 12. एंड ये √3 तो वैसे ही रहेगा, आई कॉन्ट जस्ट ड्रॉप दैट √3, वो तो रहे ही, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है. सो फॉर हाइट केम इन द टर्म्स ऑफ 12√3. अब ये यहाँ पर छोड़ सकती हूँ, या तो फिर 12 जो √3 का वैल्यू है 1.73 दे रखा है, आई कैन मल्टीप्लाई विथ दिस 12. आई हैव टू, क्योंकि यहाँ पर √3 का वैल्यू दे रखा है. सो यू हैव टू लीव इट हियर, इफ यू डोंट हैव टू, यू कैन लीव इट हियर इफ √3 वैल्यू इज नॉट गिवन, बट हियर √3 वैल्यू इज गिवन, जो मैं देखना भूल गई थी. सो नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 12. सो 2 3 16, 2 6 6, 2 7 14, 1 गेट्स कैरिड ओवर, 2 1 2, प्लस दैट कैरिड ओवर 1 इज 3, उसके बाद 3 7 1 एज इट इज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 1 है नंबर. सो 6 ऐड कर देंगे 7, ये हो गया 10, 1 गेट्स कैरिड ओवर, सो इट इज 2 0 7 6, और यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट. सो द वैल्यू ऑफ हाइट इज 20.76 सेंटीमीटर.